हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गिरीश तात्यान प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टिंग होम्योपैथ। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर करके या होम्योपैथिक तज्ञ करके मैं 25 सालों से पुणे पिंपरी चिंचवड़ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज तक आपने मेरे कई सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे जहाँ पर हमने कई मरीजों के अनुभव हमने शेयर किए हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक अलग ही टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑटिज़म। आज हम ऑटिज़म मैंने क्या, यह किन बच्चों में दिखाई देता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है, मेरे बेबी को ऑटिज्म है या नहीं, वो कैसे पहचाने, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ऑटिज्म यानी क्या यह समझ लेते हैं। ऑटिज्म यानी यह एक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल यह एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, अक्सर हमने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं वे सबसे पहले क्या सीखते हैं, वह सीखते हैं दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करना, वो आंखों से आंखें मिलाते हैं, अपने हंसी को हंसते हैं और लोगों की संवेदनाएं या लोगों के फीलिंग्स को समझते हैं। यह पूरा अभाव इन बेबी में देखा गया है। ऑटिज्म बेबी, यह जो बेबी है, यह बेबी न दूसरों की फीलिंग समझ पाते हैं, न खुद की फीलिंग्स बराबर बता पाते हैं और दूसरों से कैसा कम्युनिकेट करना है या दूसरों से कैसा उनको बात करना है यह भी उनके समझ में नहीं आता। और क्यों होता है, क्योंकि वो उनके विचारों में रहते हैं, वो उनके थॉट प्रोसेस में रहते हैं, इसलिए उनके बाहरी जगत में क्या हो रहा है इससे कुछ तालमेल ही नहीं बैठता, इसलिए वो बाहरी जगत से कुछ बातचीत नहीं कर पाते और इसलिए वो उसी अवस्था में रहते हैं। इसी अवस्था को ऑटिज्म ऐसा कहा गया है। हम आगे की जानकारी लेने के पहले मैं आपसे एक मेरे मरीज है जिनके बेबी को ऑटिज्म हुआ था, वह एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उसे आप गौर से सुनिए। माझ्या बेबीचं नाव आहे राजवीर रस्तम सावंत। ऍक्च्युली त्याला तो आता 2.5 वर्षाचा आहे। 2.5 वर्षानंतर आम्हाला त्याचे थोडेसे सिम्टम्स जाणायला लागले की तो बोलत नाहीये किंवा कमी बोलतोय फार, आणि म्हणजे आम्ही जे सांगत होतो ते ऐकत नव्हता, तो राजवीर ते कर असं ऐकत नव्हता, थोडंफार त्याला काय याच्यातून जास्त कळत नव्हतं। मग आम्ही 40 सायकोलॉजिस्टकडे गेलो, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की माइल्ड ऑटिझम म्हणून तुमच्या बेबीला आहे, की तो तुमचं म्हणजे सोशली इंटरेक्ट होत नाहीये, लहान मुलांसोबत खेळत नाहीये, असं म्हणजे मिक्स होत नव्हता तो। तर त्याच्यानंतर मग त्यांनी आम्हाला ऍक्च्युली स्पीच थेरपी घ्यायला सांगितली होती, आम्ही ती स्पीच थेरपी नाही घेतली। मी माझ्या बेबीसाठी तात्या होमिओपॅथी क्लिनिक मध्ये घेऊन आले त्यांना नंतर त्याच्यामध्ये त्याला ऍक्च्युली तो कमी बोलतो आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे लहान मुलांशी इंटरॅक्ट होत नव्हता, किंवा म्हणायला गेलं तर म्हणजे जास्त लोकांमध्ये गेलं की त्याला त्रास व्हायचा, रात्रीचा मध्येला ते जास्त लोकांशी संपर्काला त्याला आवडत नव्हता। मग जेव्हापासून आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली तर त्याच्यामध्ये सिग्निफिकंट इम्प्रूव्हमेंट आहे। लहान मुलांमध्ये तो जाऊन मिक्स होतो, नवीन लोकांशी ओळख जरी झाली तरी शेक हँड करतो, हाय करतो, बाय करतो, घाबरत नाही कोणाला, आणि त्याच्यामध्ये डे टू डे ऍक्टिव्हिटीजमध्ये बऱ्यापैकी इम्प्रूव्हमेंट झाली। तो स्वतः खेळत बसतो, इंटरॅक्शन करतो, गाणी म्हणत राहतो, जर त्याला आम्ही बुक्स दिले वाचायला, लहान मुलांचे असतात KG किंवा नर्सरीचे ज्याच्यामध्ये ABCD असते, फ्लावर्स वगैरे सगळे कलर्स वगैरे असतात, तर तो ते ABCD वाचतो, किंवा जिथे काही नंबर्स वगैरे दिलेले असतात 1 to 10 ABCD लिहिलेले असते ते सगळे तो वाचतो स्वतःहून, गाड्यांचे नंबर्स पार्किंगमध्ये फॉर एक्झाम्पल, आणि किंवा टी शर्टवरती काही अल्फाबेट्स लिहिलेले असतील ते पण कॅपिटलमध्ये, तर ते प्रॉपरली तो, आणि त्याची झोप वगैरे बऱ्यापैकी इम्प्रूव्ह झाली आहे। 8-8 तास तो बऱ्यापैकी झोपतो आता। आधी जेव्हा त्याला माइल्ड ऑटिझम डिटेक्ट झालं होतं सुरुवातीला तेव्हा सुद्धा त्याची झोप अशी होती की तो 4 तास वगैरे रात्रीचा व्यवस्थित झोपायचा आणि नंतर 2-2 तासांनी उठत होता। पण आता झोप वगैरे प्रॉपर झाली आहे, त्याचं जेवणाचे पॅटर्न वगैरे बऱ्यापैकी चेंज झाले। तो आम्ही जेवायला बसलो तर आमच्यासोबत ताट घेऊन जेवायला बसतो, भले त्याने 2 ग्लास खाल्ले पण तो ताट घेऊन बसतो, त्याला कळतं की बाबा जेवायची वेळ झाली, हे आपलं संध्याकाळचं जेवण आहे, सकाळचं जेवण आहे, तर 2 ग्लास खातो, 3 ग्लास खातो, पण खातो। अजून मेजर इम्प्रूव्हमेंट म्हणजे तो आम्ही आमच्या घरच्यांसोबत म्हणजे ते सातारला असतात तर त्यांचं येणं जाणं खूप कमी असायचं आमच्याकडे, आणि आम्ही कधीही तिकडे गेलो साताऱ्याला तर तो कुणाकडे जात नव्हता त्यावेळेस। पण जशी आम्ही ट्रीटमेंट चालू केली आहे जवळपास 3-3.5 महिने झाले असतील आता, तर तो आम्ही गावाला कधीही गेलो, 15 दिवसातून गेलो, 1 महिन्यातून गेलो, 2 महिन्यातून गेलो, तरी तो लोकांना तर विसरत नाही, त्यांच्यासोबत खेळतो, बोलतो, जातो, कुणाकडे जायला घाबरत नाही काही नाही,
आणि लोकेशन वाईज तो जरी आम्ही इथून साताऱ्याला गेलो तरी तो लगेच तिथे जाऊन सेटल होतो. आधी तसं नव्हतं, आधी तो आम्हाला एक दिवस त्रास देणारच देणार, किती वाजता जाऊ काही करा. तर बऱ्यापैकी इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे आणि आता जसं काही डॉक्टर सांगतात तसे अजून ट्रीटमेंट ते कंटिन्यू चालू राहील आणि बऱ्यापैकी फरक आहे. सो वी विल प्रेफर दॅट तुम्ही सुद्धा जर तुमच्या मुलाला ऑटिझम, माइंड ऑटिझम किंवा कोणत्याही टाईपचा ऑटिझम असेल तर तुम्ही एकदा ओपिनियन घ्या, डॉक्टरांना येऊन भेटा, ते काय म्हणतात ते ऐका आणि तुम्हाला सुद्धा फरक जाणवेल. अभी जो वीडियो आपने सुना जिस मरीज ने अपना खुद का अनुभव शेयर किया वो बहुत महत्वपूर्ण है. यह मरीज खुद या मरीज जो है उसकी माँ जो है वो खुद एक डॉक्टर है, वो उसके बेबी को मेरे पास लेके आई थी. उसको कहा गया कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है, यह बेबी सो नहीं रहा है, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, कोई भी घर में मेहमान आए उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा है, हालांकि हमसे भी ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहा है, अकेले अकेले बहुत रह रहा है, अभी इसका हम क्या करें. जब हमने उसे होम्योपैथी उपचार चालू किया तब से उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट अच्छे दिखाई देने लग गए. वह बेबी दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख पा रहा है, अभी घर में कोई मेहमान आए तो उनसे बातचीत कर रहा है या उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा है, अगर वो उनके गांव गए, उनके नेटिव प्लेस पे गए, वहाँ भी सबसे घुल मिल रहा है, अभी खाना भी अच्छे से खा रहा है. जो बेबी खाने के लिए बहुत तंग कर रहा था अभी ऐसा भी नहीं रहा, खुद से खाना मांग रहा है, और सबसे बड़ी बात जो रात को आधा एक घंटा ही सो रहा था आज वो 5 से 6 घंटे बहुत आसानी से हो रहा है. तो यह जो इम्प्रूवमेंट है ऑटिज्म बेबी के लिए, यह सभी इम्प्रूवमेंट सिर्फ होम्योपैथी के द्वारा ही दिखाई देते हैं. तो हम अभी सबसे पहले जानेंगे ऑटिज्म क्यों होता है. ऑटिज्म इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन रहते हैं, जो हमारा मेंदू रहता है, जो हमारे मस्तिष्क रहता है, उसके अंदर जो सेल्स रहते हैं वह सेल्स ठीक से कार्यरत काम नहीं करते, या जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है उनमें जो केमिकल होते हैं वह केमिकल में इम्बैलेंस आ जाता है, वह केमिकल की मात्रा बहुत सूक्ष्म रूप से कम ज्यादा होती रहती है, उसके बाद उनके थॉट प्रोसेस में उनके विचार में काफी परिवर्तन आ जाता है. अभी यह छोटे बच्चों में क्यों होता है, तो सर्वप्रथम यह कारण दिखाया गया कुछ छोटे बच्चे उनके गर्भावस्था के पहले ही बाहर आ जाते हैं तो उनमें यह ऑटिज्म दिखाई देता है. दूसरी बात कुछ माता पिता को काफी लेट उम्र में उनको बच्चे होते हैं उनमें भी यह ऑटिज्म दिखाई देता है. तीसरी बात कुछ महिलाओं को गर्भावस्था में शुगर की बीमारी होती है, उन महिलाओं के भी बेबी को भी ऑटिज्म यह बीमारी दिखाई देती है. और मेरा जो संशोधन है जो मैंने रिसर्च किया है इतने सालों में एक बात मैंने देखी है, जिन महिलाओं को गर्भावस्था में काफी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उन महिलाओं के बेबी को ऑटिज्म के चांसेस काफी ज्यादा है. पिछले 2 सालों में कोरोना आया था, यह महामारी ने कई सारे लोगों को काफी डरा दिया था, काफी धमका दिया था, वह सहमे गए थे. जो महिलाएं बहुत डर गई थी, जिनके मन में बहुत डर पैदा हो गया था, वही उनके बच्चों में यह बीमारी ज्यादा दिखाई दी है. और दूसरा मैंने देखा है कोरोना काल में या इस महामारी काल में कई सारे ऐसे पेरेंट्स है, कई सारे ऐसे माता पिता है जिन्होंने अपने बच्चे को 2-2 साल तक घर से बाहर निकाला ही नहीं, वह बच्चे सतत मोबाइल पे रहे, लैपटॉप पे रहे या टीवी देखते रहे, ऐसे बच्चों को भी यह न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तैयार हो चुका है जिसको ऑटिज्म ऐसा कहा जाता है. क्या इसका होम्योपैथी में उपचार है, क्या ऐसे कुछ लक्षण है, अभी हम उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे. अभी तक हमने यह जाना कि ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म किन बेबी में दिखाई देता है, और सही में यह जो बेबी है ऑटिज्म की जो बेबी है इनमें होम्योपैथिक उपचार सही में काम करता है नहीं, उसका मैंने आपको एक प्रूफ भी दे दिया. ऑटिज्म बेबी के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम जान लेंगे, लेकिन अगर उसके पहले मेरे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलना. तो ऑटिज्म बेबी में लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहला लक्षण होता है जो छोटा बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो क्या करता है, आपके आंखों से आंखें मिलाता है, वह आंखों से आंखें मिलाना उसका नहीं होता है. दूसरी बात, आप जब हंसते हो तो हंसता भी नहीं है, क्योंकि वो उसी ही विचारों में, उसके विचारों में रहता है, वो उसी अवस्था में पूरे रहता है. तीसरी बात, वह उसका मस्तिष्क का विकास जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए ऐसे बच्चे बहुत स्लोली या बहुत देर के बाद कुछ बोलना सीखते हैं या बहुत देर के बाद चलना भी सीखते हैं. ऑटिज्म की वजह से यह बच्चे किसी के साथ भी घुलमिल नहीं पाते, वो दूसरों को फीलिंग को समझ नहीं पाते, वो दूसरों के फीलिंग के साथ अपने खुद को तालमेल नहीं रख पाते, इसलिए दूसरों के बच्चों के साथ मिक्सअप होना, उनके साथ खेलना, खेलकूद करना, बाहर जाना, यह भी उनका काफी कम हो जाता है. ऐसे बच्चे प्रायः अकेला घर में रहना ही पसंद करते हैं.
यह बच्चे एक ही अवस्था को बार बार दोहराते हैं। एखादा पहिया लिया उसको ही पूरा दिन घुमाते रहेंगे, एखादा खिलौना लिया उसके साथ ही पूरा दिन खेलते रहेंगे। यह सभी लक्षण इन ऑटिज्म बेबी में दिखाई पड़ते हैं। कुछ बेबी संवेदनशील होते हैं किसी आवाज के लिए, उनको कहीं पर ऊंची आवाज उनको बर्दाश्त नहीं होती। कुछ बेबी को ज्यादा प्रकाश आ गया, संदर्भ ज्यादा गया, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे बेबी को अक्सर देखा गया है जो रूटीन लाइफ है उनको वैसे लाइफ चाहिए, थोड़ा भी लाइफ रूटीन लाइफ में चेंज हुआ यह बेबी जल्दी बीमार गिर जाते हैं। घर में कोई मेहमान आए उनको पसंद नहीं, किसी नए घर पर जाना है वो उनको पसंद नहीं, किसी मेले में जाना है, बच्चों के साथ घुल मिलना है, यह भी उनको पसंद नहीं आता। इस तरह यह बेबी जो छोटे बच्चे रहते हैं, यह बच्चे उनके विचारों में रहते हैं, उनके विचारों में कई बार खोए हुए रहते हैं। तो इसलिए उनका न तो कोई डेवलपमेंट होता है, न तो कोई विकास होता है, न शारीरिक तौर पे, न मानसिक तौर पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बेबी ऑटिज्म है, उसमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो होम्योपैथी सही में एक उपचार पद्धति है जिससे आपका बेबी काफी रूप से स्वस्थ और ठीक हो सकता है। तो यह सब लक्षण होते हैं, ऑटिज्म क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसका उपचार है क्या, और सही में यह ठीक हो सकता है, इसके सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा आपको वीडियो है अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके आगे जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आने वाला हूँ वह है ऑटिज्म और डाइट। ऐसे छोटे बच्चों का क्या आहार हो जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा हो जाए, उनका मस्तिष्क का विकास अच्छा हो जाए और वह डाइट उनके लिए लाभदायक हो, इसलिए आप मेरा आगे का वीडियो जरूर सुनना। धन्यवाद।